राजस्थान प्रांत के कोटा महानगर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अविरल बहती पावन नदी चंबल के तट पर स्थित है जैन धर्म का प्राचीन तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोरायपाटन। हड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में अवस्थित इस तीर्थ में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूंगिया पाषाण से निर्मित 4.5 फुट अवगाहन वाली लगभग 2500 वर्ष प्राचीन पद्मासन प्रतिमा। माना जाता है कि इस प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के समय देवों ने स्वर्ग से आकर पुष्प एवं केसर की वृष्टि की थी। प्रतिमा के अतिशय के विषय में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने जब इस मंदिर पर आक्रमण कर प्रभु प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया तो दूध के भयंकर बाढ़ ने आक्रमणकारियों को भागने को विवश कर दिया। मूर्ति पर छेनी और हथौड़ी के चोट के निशान अभी भी प्रतिमा पर दिखाई देते हैं। मूलनायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अतिरिक्त यहाँ 13वीं शताब्दी की 6 जिन प्रतिमाएं भी विराजित हैं, जिनमें से श्वेत चट्टान पर स्थापित भगवान पद्म प्रभु की सुंदर प्रतिमा जहाँ सभी का मन मोह लेती है, तो वहीं 12 खम्बों के कलापूर्ण गुंबज युक्त गुप्तकालीन प्राचीन छतरी में विराजमान है क्षेत्रपाल बाबा। माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से सैकड़ों भक्त प्रतिदिन यहाँ आकर प्रभु का दर्शन वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुद्धि नवमी एवं दशमी को वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। तीर्थ पर साधु संतों के आवास एवं आहार की व्यवस्था के साथ साथ दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु 36 कमरों की सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक धर्मशाला एवं भोजनशाला भी बनी हुई है। साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आस्था के इस पावन धाम के विकास की विभिन्न योजनाओं में आप सभी सहभागी बन सातिश्य पुण्य का अर्जन करें। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स प्रबंध कार्यकारिणी समिति श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोरायपाटन पंजाब नेशनल बैंक शाखा किशोरायपाटन खाता क्रमांक 4475001000123 IFSC कोड PUNB 0447500 कैनरा बैंक शाखा किशोरायपाटन खाता क्रमांक 3558214000005 IFSC कोड CNRB 0003558 संपर्क सूत्र 9351996323। ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं सं तं पं बं 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 हं हं सं तं 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 पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजले निजन्मविषिच्यामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमर्हं बं बं हं शं तं पं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जहे जहे दे दे पच पच पाचे पाचे। ॐ नमो अर्हं झं झ्वीं छ्वीं हं सं झं बं हाय सह छां छीं छों छें छैं छों छों छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रों हं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं त्रिशोधर्मिन्द्रकलशकर्ता श्रीमान अशोक कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, चंद कुमार जी, गोमतेश कुमार जी, समस्त परिवार बुढ़ार निवासी सुख समृद्धि शांति हेतु एवं अर्पित जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से शांति धारा करता श्रीमान बाल किशन जी जैन, विवेक जी जैन, अंकित जी जैन, समस्त परिवार फिरोजाबाद निवासी श्रीमान बाल किशन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सपरिवार से मासिक शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंद जी, राजकुमारी जी, मनीष जी, अंतिमा जी, आशीष जी, अविका जी, अक्षय जी, बागलीवाल, तालेड़ा वाले कोटा निवासी कैलाश चंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, लाड़ देवी जी, ललित जी, शारिका जी, कमल जी, रजनी जी, नवीन जी, स्वाति जी, विनीत जी, दीक्षा जी, दिया जी, विशुद्धि जी, भाविक जी, किंसु जी, देशना जी, अग्रणी जी, आर्या जी, लोहाड़िया तलमंडी कोटा निवासी सपरिवार से श्रीमान पारस चंद जी, दिनेश कुमार जी, जम्मू कुमार जी, मनोज कुमार जी, आरजव जी, अर्थव जी, इशिता जी, अंथड़ा वाले तालेड़ा निवासी सपरिवार से श्रीमान रवि जी, माला जी, धारवी जी, जयपुर निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्रीमान विमल जी, श्रीमती रोशन जी,
जय कुमार जी, राजकुमार जी, रेखा जी, अंजू जी, प्रियांशु जी, उपलक्ष जी, निधि जी, कनिष्का जी, समस्त सेठिया परिवार, मायजा वाले बूंदी निवासी सहपरिवार से, उपस्थित सर्वजन नाम सहपरिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज केशवराय पाटन सहपरिवार से, समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी तीर्थ क्षेत्र केशवराय पाटन सहपरिवार से, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याणमस्तु स्वाह एवं अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमत् सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादान सद्धर्म श्री भलायुरारोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसीदंतुना। ओम भीम श्री विश्वभाद्या श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतरहंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया। अस्माकं श्री शांति धारा कर्ता यह मूत्र चय सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्यशु यह मूत्र चय सिद्धिम प्रक्षंतुना। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वी शंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दिनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरसुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्पणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम छयंकराय अजराय अवराय असमाकम श्री शांति धारा कर्ता उपस्थित सर्वजन नाम सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिं ग्रहन्तु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतापोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये चम्रद्वयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं सभिषेक कांते वृषभादि वीरांते भ्यो नमः शांति धारा उप्रांते भगवान के पंच कल्याण के भ्यो नमः जलाधि अर्घम निर्वपामिते। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान् चतुर्विंशति तीर्थंग्रेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिते। जन्म प्रभु राज ग्रही लीना जगत में आनंद कर दीना बजे हर पर बाजे गगन में जयकारे गाजे भयो आनंद कटे भव फंद प्रकट भय तुम अंतर आमी। बोल देवादिदेव 1008 मुनि सुतनाथ भगवान की जय। मुनि गुरु और मुनि पुंगो श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कोटा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के पावन तट पर केशवराय पाटन मुनि सुतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है। ये बहुत ही पावन मनोहारी और अतिशयकारी क्षेत्र है। यहाँ पर विराजमान मुनि सुतनाथ की प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है और जो एक बार यहाँ के दर्शन कर लेता है वो अपने आप को धन्य समझता है। आप एक बार यहाँ आकर अपने दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए, शांति धारा कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए, शांति से पुण्य का अर्जन कीजिए। गुरुदेव से भी यही विनती की थी, गुरुदेव एक बार आपकी कृपा इस क्षेत्र पर हो जाए और ये क्षेत्र विकास के नए सोपान आयाम स्थापित करे। इसलिए यही भावना बातें हैं कि क्षेत्र का विकास हो और यहाँ पर आप आकर अपने आप को धन्य बनाए। यहाँ पर आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप आए और अपने आप को अभिषेक शांति धारा करके अपने आप को धन्य करें, शांति से पुण्य का अर्जन करें।